But this is an extraordinary situation, an unusual situation. And that is why it's hard to imagine that what's happening is a coincidence. 26 सितंबर 2022 को रशिया की गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड 2 जो कि $20 बिलियन से बनी थी जिससे रशिया गैस एक्सपोर्ट करता था यूरोप को उसमें मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ जो अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है कि ये करवाया किसने। ये ब्लास्ट इतना विशाल हुआ कि इसको हंड्रेड्स ऑफ किलो TNT से जो ब्लास्ट होता है उसके बराबर माना जा रहा है और ब्लास्ट की वजह से हर घंटे करीब 500 मेट्रिक टन मिथेन बाल्टिक सी में लीक हो रही है जिसको डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखा जा रहा है और ये लीक को फिक्स करने में हफ्तों लग सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इवेंट है। इस ब्लास्ट के साथ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जुड़ चुकी है कि इवेंट 2022 का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है। Mystery leaks in two gas pipelines at the heart of an energy crisis on the continent. लेकिन दोस्तों सबसे हैरानी की बात कि अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है कि ये ब्लास्ट करवाया किसने है। It's absurd that either the United States or the EU would have deliberately attacked this pipeline. It's also kind of absurd that the Russians would do it. अमेरिका का कहना है कि रशिया ने अपनी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से जर्मनी तक जाती है वो रशिया ने खुद ही ब्लास्ट करी है अपने अंडरवाटर ड्रोन्स की मदद से जिसकी वजह से यूरोप में और वर्ल्ड में ऑयल और गैस की शॉर्टेज होगी और गैस के प्राइसेस राइज होंगे और इससे रशिया को फायदा होगा, ये कहना है US का। और दूसरा धड़ ये कह रहा है कि कम्प्लीटली स्टूपिड स्टेटमेंट है कि रशिया ने खुद ही अपनी पाइपलाइन डिस्ट्रॉय कर दी। पहले $20 बिलियन में ये पाइपलाइन बनवाई और फिर खुद ही ब्लास्ट करवा दी। और आपको एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस भी बताते हैं जिसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। ब्लास्ट साइट के 24 किलोमीटर दूर ब्लास्ट के कुछ ही घंटों बाद US नेवी जेट्स बाल्टिक सी के ऊपर उड़ रहे थे और बाद में इनफैक्ट US नेवी ने खुद ही कंफर्म भी किया कि हाँ गैस लीक साइट के आसपास हमारे जेट्स उड़ रहे थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक रूटीन का पार्ट था। ये नेवल एयरक्राफ्ट लीक साइट के 24 किलोमीटर करीब तक पहुंचा और इसके अलावा सबसे हैरानी वाली बात, नेवल फ्लाइट का जो ट्रैकिंग डेटा है ना उसमें 3 घंटे का रिकॉर्ड्स है ही नहीं, डेटा गायब हो गया है। ये कोइंसिडेंस काफ़ी अजीब है और एक्सपर्ट्स के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद इससे भी अजीब कोइंसिडेंस कि पोलैंड के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने इस पाइपलाइन के ब्लास्ट की पिक्चर को ट्वीट करते हुए लिखा थैंक यू US और उसी के थोड़ी देर बाद ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। क्या है इस चीज़ का मीनिंग, आप हमें कमेंट करके बताओ। पहले तो क्लाइमेट चेंज की टेक्निकल डिटेल्स आज तक किसी भी एक्सपर्ट को क्लियरली समझ नहीं आई है, दूसरी तरफ पोलैंड के पार्लियामेंट के मेंबर्स इस पूरे ऑयल ब्लास्ट के इवेंट के लिए USA को थैंक्स कह रहे हैं जिससे हजारों टन मीथेन लीक हो गई है। कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी कवर नहीं करेंगे और यहाँ YouTube पर हम लोगों को बताना अलाउड नहीं है। इस खेल का आप एक और पहलू सुने कि जो बाइडेन ने इस ब्लास्ट से 8 महीने पहले नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के लिए क्या बोला। If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. और ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को अंत करने की धमकी बाइडेन 8 महीने पहले दे रहे हैं और जब उनसे पूछा गया कि ये करोगे कैसे तो उनका जवाब आता है आप निश्चिंत हो जाएं हम कर लेंगे। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इस ब्लास्ट के 4 दिन बाद यानी 30 सितंबर को जो कहा आप वो सुनिए कि ये रशियन पाइपलाइन का ब्लास्ट ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है US के लिए क्योंकि अब US अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG एक्सपोर्ट करेगा यूरोप को। This is also a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy. जो कि ऑल्दो रशिया से मिलने वाली गैस से महंगा होगा लेकिन इससे रशिया के रेवेन्यू पर भीषण इम्पैक्ट पड़ेगा। ये गैस एक्सपोर्ट रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से USA का यूरोप में LNG एक्सपोर्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। I'm laughing too. और आपको एक और कोइंसिडेंस सुनकर हंसी आएगी कि ब्लास्ट के ठीक 5 दिन बाद
एक नई गैस पाइपलाइन ओपन हो गई यूरोप के लिए, जिसका नाम था बाल्टिक पाइपलाइन, जो नॉर्वे को पोलैंड से कनेक्ट करती है, जिससे डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा यूएसए को। इससे आप क्या समझे कि ये ओपन फैक्ट है जो खुद यूएसए बोल चुका है कि इस ब्लास्ट से यूएस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ब्लास्ट के शैतान ने कराया, इसकी हकीकत जो भी है, लेकिन एक बात तय है कि इस इवेंट के बाद ऑयल एंड गैस के दाम बहुत जल्द बहुत स्पीड से बढ़ सकते हैं, एटलीस्ट यूरोप में तो बढ़ ही चुके हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। दूसरी चीज, इसी पाइपलाइन इवेंट के साथ एक और बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है जिससे इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ चुका है ऑलरेडी, कि रशिया ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर ऑयल प्रोडक्शन को कट करने की डील फाइनल कर ली है, और इस डिसीजन से वर्ल्ड में 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल कम हो जाएगा, जो कि 2% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है। आप ये दो सेंटेंसेस समझिए। अगस्त 2022 में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था सऊदी अरेबिया, और सितंबर 2022 में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था रशिया, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो हदें पार हो गई थी। इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट रशिया से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिए थे, क्योंकि वॉर के बाद बहुत सस्ता ऑयल रशिया से इंडिया को मिलने लग गया था। लेकिन अब ऑयल कट के बाद इंडिया पर इस इवेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये ऑयल कट डील नवंबर 2022 से इफेक्ट में आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया अपना सप्लाई कैसे डाइवर्सिफाई करेगा और इंडिया कितना अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ग्रीन एनर्जी से फुलफिल कर पाएगा, तभी इंडिया इस सारे ऑयल ड्रामा से बच पाएगी। अब आप पूरा सीन समझ गए ना। पहला, रशिया अब अपना ऑयल अपने बिगेस्ट ग्राहक तक नहीं पहुंचा पाएगा, और अमेरिका को अब अचानक एक कोइंसिडेंस से एक बहुत बड़ा ग्राहक मिल गया है, और अचानक नई पाइपलाइन भी लॉन्च हो गई है। दूसरा, सऊदी अरेबिया और रशिया के ऑयल प्रोडक्शन को कट करने की डील से वर्ल्ड में 2% ऑयल प्रोडक्शन कट होगा, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि रशिया और सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है ऑयल के। कंक्लूजन में आप ये समझे कि इस वक्त ब्लास्ट किसी ने भी करवाया हो, लेकिन यूएसए को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और रशिया को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा खुद यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं। पेट्रोडॉलर सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए भी, यानी पेट्रोल किसी देश को लेना है ओपेक कंट्री से तो बदले में डॉलर ही देना पड़ेगा। इस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए भी यूएसए ने एक्सट्रीम वायलेंस का रास्ता चुना था, लेकिन अब ये पेट्रोडॉलर सिस्टम वीक होता जा रहा है, क्योंकि सऊदी ऑलरेडी चाइना से भी डील कर चुका है कि हाँ, अब हम तुम्हें युआन में भी ऑयल देंगे, और अब सऊदी अरेबिया रशिया के भी क्लोज आता जा रहा है, और पूरी दुनिया में एक न्यू ऑयल ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, जहां 3 पक्ष बन चुके हैं। एक है यूएस और उसके अलाइज, दूसरी तरफ है रशिया, और तीसरी तरफ ओपेक कंट्रीज, जो वर्ल्ड ऑयल मार्केट की डायरेक्शन को डिक्टेट करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ये ब्लास्ट किसने करवाया। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जग सकें।